गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, है ना। इसके पहले भी हमने बहुत सारे सीक्वेंस की डिफिनीशंस पढ़ी हैं, अब ये आ गया। आज आपको नेक्स्ट एक डिफिनीशन बता रही हूँ पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू, अगर कोई आपकी सीरीज दी है, सीक्वेंस दिया हुआ है और एक उसका जो कन्वर्जेंट है वो कहाँ एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो वो जिस वैल्यू की तरफ वो जा रहा है वो वैल्यू ही उसकी क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट वैल्यू कहलाती है। जैसे हमारे पास इसके पहले क्या थी, लिमिट्स, है ना। लिमिट भी आपका एक हमारे पास मेथड है जिसके थ्रू हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एस एन हैज़ द लिमिट एल, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस नंबर है जिनकी लिमिट एल है, वी से दैट एस एन इज़ कन्वर्जेंट एल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर एस एन के पास लिमिट एल है तो फिर एल ही उसका वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, कन्वर्जेंट पॉइंट, जहाँ वैल्यू क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक वैल्यू की तरफ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। दूसरे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं कि इन सीक्वेंस एस एन इज सेट टू बी कन्वर्ज टू अ नंबर एल। ठीक है, मतलब सीक्वेंस एल आप सीक्वेंस आपका जो है वो एल की तरफ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इफ़ एफ साइलम ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अगर साइलम वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एंड अगर ये कंडीशन आती है तब आपको पता है कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ एग्जिस्ट करता है, वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, एम होता है। ठीक है, तो क्या डिफिनीशन बनती थी लिमिट्स की, मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एफ साइलम। ठीक है, एन ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, तो उस केस में हम एल को क्या बोल सकते हैं, लिमिट्स बोल सकते हैं। तो एस एन में जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एस एन, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है, आप यहाँ जो भी याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो वहाँ एक ही वैल्यू आएगी, वो कौन सी होगी, एल होगी, वही क्या कहलाता है आपका, लिमिट्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कहें या थ्योरम कहें वो हम प्रूव करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको एक थ्योरम प्रूव कराई थी लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। आप देखेंगे सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा, बस यहाँ स्टेटमेंट आपका क्या है, चेंज हो जाता है। वहाँ स्टेटमेंट क्या था, इफ़ द लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, अगर आपकी कोई लिमिट है किसी भी सीक्वेंस की वो हमेशा ऑलवेज क्या होती है, यूनिक होती है। और यहाँ आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज टू अ यूनिक लिमिट्स। भाई अगर हमारे पास, हमने वहाँ प्रूफ ही कर लिया है कि किसी भी सीक्वेंस की एक लिमिट होती है ना, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं होती। तो सिमिलरली यहाँ आपको ये प्रूफ कर, हमने यहाँ देखा कि अगर हमारा सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर लिमिट की तरफ क्या करें, मूव कर रहा है, तो वही उसकी कन्वर्जेंट वैल्यू कहलाती है। तो जो हमने वहाँ प्रूफ किया था वही चीज़ हम यहाँ प्रूफ कर देंगे कि अगर हमारी लिमिट यूनिक है दैट मीन्स कि कन्वर्जेंट आपका यूनिक है। ठीक, तो वहाँ भी हमने लेके चले थे, सबसे पहले अपन हमेशा कंट्राडिक्शन मान के चलते हैं कि हमारे पास दो लिमिट है, तो ठीक, तो हमने ले लिया है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सपोज ऑन द कंट्राडिक्शन सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एल एंड एम, और ये मान के चलते हैं कि एल और एम आपके इक्वल नहीं है। उस केस में हमेशा आपको मैंने बताया था कि मॉड ऑफ एल माइनस एन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो, ये कंडीशन, क्योंकि ये क्या होता है, आपको बताया था एक इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट जरूर करती है, तो वही इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो फिर आप ये क्या है, ये मॉड है आपका। ठीक, फिर आपका क्या होगा उस केस में, आपको एप्सिलॉन की वैल्यू, तो हम इसके हमेशा हाफ लेते हैं क्योंकि ये क्या है आपका, ग्रेटर देन क्या होता है, ज़ीरो, यहाँ लिखा है ना ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका हाफ भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो ये हमने सपोज किया है। ठीक, पहला केस हम मान के चलेंगे कि हमारे पास लिमिट कन्वर्जेंस क्या है, एल, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एंड यहाँ एक आपका एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा एम वन। ठीक, तो क्या इक्वेशन बनेगा, मॉड ऑफ एस एन माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम वन। ठीक, दूसरे केस में हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास कन्वर्जेंस क्या है, एम है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ एक और कॉन्स्टेंट हम पॉजिटिव इंटीजर सॉरी मान लेते हैं एम टू, एम टू इक्वल्स टू एम टू एप्सिलॉन, सच दैट मॉड ऑफ एस एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम टू। अब यहाँ आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मैक्स वैल्यू मान के चलेंगे जो क्या होगी, एम और एम टू की। ठीक है, तो हम यहाँ
यहाँ देखिए क्या मान के चले हैं, m क्या है, मैक्स वैल्यू है, m1 और m2 की मैक्सिमम वैल्यू अपन m मान लेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा बनेगा मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मॉड ऑफ एस एन माइनस एम लेस देन एन ग्रेटर देन एन, क्योंकि अब देखिए हमारे पास ही हमने मैक्स ले लिया, यहाँ एम वन एम टू लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें क्या प्रूव करना है, मॉड ऑफ एल माइनस एम, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एल माइनस एस एन प्लस एस एन, इन दोनों को अगर आप कैंसिल करें तो वापस ये मिल जाएगा। अब यहाँ कंडीशन लेस देन की मिल लगेगी, क्योंकि यहाँ क्या है आपका, ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हम लिख लेंगे, ठीक। तो अलग अलग हमने इन दोनों को लिख लिया। अब इसे चाहे आप एल माइनस एस एन लिखें या एस एन माइनस एल, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल बाहर आने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब ये दोनों हमारे यहाँ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ हमने एप्सिलॉन एप्सिलॉन रखेंगे तो टू एप्सिलॉन मिलेगा आपका, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या मानी है, 1/2 मॉड ऑफ एल, तो टू टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा ये। अब ये कंडीशन मॉड ऑफ एल माइनस एम लेस देन मॉड ऑफ एल माइनस एम, ये आपका गलत है ना, कंट्रोडिक्शन प्रूफ हो गया, दैट मीन्स एल इक्वल्स टू एम। तो आपका ये आपका प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज टू अ यूनिक लिमिट, ठीक है, थैंक यू। नाउ अब हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो चलिए पहला एग्जांपल ले रहे हैं, सो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n² - 6n/5n² + 4=3/5 आपको प्रूफ करना है। तो अपन ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और ये क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमने ये वाला पार्ट लिया, वी हैव टू दिस, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से भी हम n² कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी n² कॉमन ले सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब आप n² कॉमन लोगे तो यहाँ तो ठीक है 3n² था, तो n² बाहर तो 3 बचा, लेकिन जब 6n से आप n² बाहर लोगे तो क्या होगा, 6n/n², ठीक, नीचे n² आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी n² बाहर लेंगे तो यहाँ से तो ठीक है, यहाँ बस आपका 5 बचे गए हैं, क्या हो जाएगा, 4/n². ऐसा क्यों किया है, देखिए अगर आप n² को वापस मल्टीप्लिकेशन करें तो सिमिलर यही इक्वेशन आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स में यही रूल है कि जो भी चीज़ आप कॉमन ले या मल्टीप्लाई करें तो जब आप उन्हें हटाएं तो वापस आपका प्रीवियस स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए इक्वेशन, तो वो हो जाएगा। तो n² कैंसिल हो गया, यहाँ से n था और 1n यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3, यहाँ 6/n, यहाँ 5+4n². अब यहाँ लिमिट्स को अलग कर लें, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। तो ये देखिए हमने यहाँ फिर यहाँ लगाया, फिर इसी तरह नीचे भी लगा दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ तो n का कोई पोर्शन ही नहीं, तो ये एज इट इज 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो किसी के भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये देखिए यहाँ हमने 0 लिखा, ठीक। इसी तरह यहाँ 5 आ जाएगा और इसकी लिमिट n² देखिए। अब आप ये कहें कि इन्फिनिटी का स्क्वायर हो या इन्फिनिटी हो, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, हमेशा अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये 0, तो ये आ गया 3/5। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को मुझे आज शाम तक आप लोग के सोल्यूशन मिलने चाहिए और आपके असाइनमेंट की कॉपी में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और मैक्सिमम बच्चों आप सबको सॉल्व करना है, जो ये देखते हैं उन्हें भी, और जो जानबूझ के नहीं करते हैं तो उनको भी, ठीक। तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और सेंड करेंगे। Thank you.